साथ भी बना हुआ हो, और अगर आपके साथ बना हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं भाई वो किस प्रकार के मुद्दे से निजात पे आ जा सकता है भाई। सबसे पहले क्या होता है कि हरियाणा में ऑनलाइन के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होकर आ रही हैं। जो मिडिल क्लास परिवार हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग जो गांव में रहते हैं या ढाणी वगैरह में रहते हैं, या जो अपनी छोटी जो रहते हैं, या मोबाइल उनका रिचार्ज वगैरह नहीं हो रहा, उनके लिए बड़ी उत्पन्न समस्या उत्पन्न है। मैंने ऐसे ऐसे मकान देखे हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं हरियाणा में कि उनके मकान 17 बाई 17 के हैं, या 10 बाई 15, 10 बाई 10 चौड़ाई है, 15 फीट लंबाई है, 4 बच्चे 3 बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनके पीले नहीं हरे गुलाबी परमिट तो छोड़ो, सीधे हरे परमिट बने हुए हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं सर्वे कर करके हमें बता कि लगभग हमने भिवानी हल्के में सर्वे लगभग किया है, तो उसमें क्या देखा कि ऐसे ऐसे परिवार हैं लैंडलॉर्ड हैं जिनके क्या जमीनें वगैरह हैं, उनके पीले और गुलाबी परमिट बने हुए हैं। दूसरी बात है कि परिवार में कोई कमाता है नहीं, फिर भी उनकी फैमिली इनकम 5 लाख 10 लाख 7 लाख 8 लाख बनी हुई है, और उनमें कुछ मैंने जैसे हम बात कर रहे हैं लोहारू हल्के के गांव के कुछ दौरे किए हैं, उन गांव में भी कुछ ऐसा ही माहौल हमें देखने को मिला है। वही हम बात करें ऑनलाइन के में अब फैमिली आईडी का जो चक्कर बना होना हरियाणा में सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यह है। ये कहते हैं कि फैमिली आईडी में इनकम हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूरा वृद्धा पेंशन बन जाएगी, वो बन जाएगा। तो भाई मेरे पास इसे हजारों मुद्दे ऐसे हैं, हजारों केसेस ऐसे हैं, मैं खुद भी उससे वाकिफ हूँ कि कुछ भी ना हो रहे, फैमिली आईडी इनकम में कम है, ऑटोमेटिक वृद्धा पेंशन बन जाए। तो मैं एक अभी हाल ही में मैं उसकी पूरी फैमिली आईडी, उसका राशन आधार कार्ड सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा सकूँ हूँ। उसकी जो महिला है उसकी शादी लगभग 48 साल हो गई, उसकी उम्र लगभग 66 67 साल का, लगभग 70 साल का करीब मान के चल रहा है, क्योंकि उसके बड़ा बेटा है, बेटी थी वो 46 47 साल की दुआएं हुई, उसके बाद लड़का हुआ, फिर एक दूसरा लड़का हुआ, आज तक तो उसकी पेंशन नहीं बन रही है, बोले ऑटोमेटिक पेंशन बनेगी। तो भाई ये सरकार ने एक ड्रामा बना रहा है, कैसे कोई ऑनलाइन का काम कोई चक्कर नहीं होगा, ऑटोमेटिक फैमिली इनकम बढ़ाते हैं, भले ये काम कर रहा था ये वो हो गया और उसकी इनकम बढ़ के खड़ी होगी। तो भाई ने बताओ घर में एक आदमी है कोई लगा लो, ठीक है। ऐसे ऐसे परिवार देखें जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में होते हैं, अपने अपने अलग अलग राशन कार्ड बना लेते हैं, और क्या होता है कि माँ बाप तो जॉब में होते हैं, बच्चन बच्चन नया परमिट बना लिया, भले इसका पीला परमिट बन गया, इसमें राशन पानी वगैरह मिलने लग गए हैं, तो मेरी समस्या उनके लिए है, उसने तो अपना राशन कार्ड बनाया कोई बड़ी बात नहीं, वो अधिकार है ना, तो मेरे पास अब जमीन है ना, मेरे पास मेरी फैमिली जो इनकम 1,80,000 रुपये से कम ज़्यादा है, या 1 लाख रुपये 2 बार से ज़्यादा का आपने भी वो नहीं ले रखी हो, इस योजना का लाभ नहीं ले रखा हो, तो भाई आपका फैमिली पर जो पीड़ा परमिट नहीं बन सके। दूसरी बात भाई, या आपके प्राइवेट आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और आपका बीपीएल परमिट, तो अभी आपका बीपीएल परमिट कटेगा, मतलब इतनी समस्या उत्पन्न कर रखी परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा सरकार ने, तो यू को नशा मलट दे रखा है हरियाणा में कहाँ। तो भैया कोई सफल होने वाली कोई चीज़ है नहीं, मैं तो यह कहूँ, और सरकार इस पर ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, अब मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, हाँ कुछ काम अच्छे भी किए हैं, जैसे मेरे ही रिश्तेदारी में हमारे जो जानकार हैं अभी पिछली ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, ऐसे ऐसे व्यक्ति लगे हैं भाई, इस सरकार में नौकरियाँ के मामले में खाइज दोनों आदमियाँ का हैं जो पिछली सरकार में नौकरी लाके, मैं किसी सरकार का नाम खोल लूँ क्योंकि आपने मेरा बेरा है, पिछली सरकार में झोला छाप ठाऊ थे, फटाफट उनके नौकरी लग गए, किस तरह नौकरी लग गए, इस सरकार में नौकरियां मैं तो पारदी समय कुछ हद तक मैं मानता हूँ कि जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, मेरे जो जो कलीग थे जानकार थे जो मैंने दाएँ बाएँ वगैरह तब सुनी है, फेयर एंड फेयर लगे हैं भाई, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे परिवार के लोग देखे मैंने जिनके भाई छत भी दी थी, यार भाई भाई छत तो ले भी हुए है सबका, कहने के माँ बाप भी को नहीं थे, और भाई पाँच पाँच अच्छा वाहन थी, उनमें एक दो परिवार में नौकरी लग गई, या ऐसा ही परिवार था कि चौक दूते रास्ते बंद हो गए थे, उन परिवार सरकार ने भाई 1 रुपया को ना गया नौकरी, मैंने खुद देखे हैं, बाकी भाई आपने देखा हो तो उस बात का मैं कह नहीं सकता, मैं अपने अनुभव बताऊँ, आप भी अपने अनुभव शेयर कर सको। सरकार ने कुछ फायदे तो करें नौकरी के मामले में, बाकी जो सेकेंड लिस्ट आओ है दूसरी लिस्ट आओ है उसमें हम नहीं कहूँ, एक बार जो भर्ती हो ना उसमें, तो जैसे ग्रुप डी की जो 2024 में भर्ती हुई है इसमें फेयर बच्चे लगे, कम से कम मेरे भी जो जानकार हैं 10 12 हज़ार जानकार लगे हैं,
उनका 1 रुपया कौन लगा इस भर्ती में। सरकार ने इस मामले में तो अच्छे कदम उठाए थे, पर फैमिली आई डी वी डी का ऑनलाइन का जो मामला उठाओ ना, पेंशन बढ़िया बन जाएगी, ऑटोमेटिक उठ जाएगी, नोट उठ जाएगी। भाई मैंने कम से 3 बार 4 बार अप्लाई करवा दी, भाई तो गवर्नमेंट दिन पेंशन मतलब जो बनवानी है, तो उसके मतलब कारण क्या है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो या तो फिर आम आदमी तक नहीं पहुँचती, और जब पहुँचे हैं तो बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। और भाई सबसे बड़ी समस्या है यो जो मालूम जो बढ़ रही ना, या परिवार पहचान पत्र सबसे बड़ी समस्या हरियाणा की बढ़ रही है। शीशे चक्रा पट्टी दौर से चढ़ा कर 200 रुपये 100 रुपये मैं तो फीस ले हैं, और मैं तो पर फैमिली परिवार पर परमिट अपना बनवाना तो उसकी फीस सबने मेरा है, आपने मेरा कितने हज़ारों फीस ले हैं, और जब फैमिली आई डी में नाम कटवाना तो पीछे ले हुए हैं, और दफ्तर का चक्कर काटी जाओ भाई, उन्होंने कागज दें ना करके दिन दे ना कोई सौदा ना कोई इन कहेंगे ऑनलाइन अब ऑटोमेटिक बन जाए, ऑटोमेटिक बन जाए। एक बार जो व्यक्ति जो मेरी वीडियो देखे हैं और उन परिवार पहचान पत्र है फैमिली आई डी में जहाँ अपना करेक्शन करवाया है, जो भी सीन है, कल परसों एक मामला था, एक व्यक्ति था उसको मृत घोषित कर दिया, फैमिली आई डी में मृत घोषित कर दिया, उसने 6 महीने चक्कर काटे जब जाके साबित हुआ। तो परिवार पहचान पत्र में से बहुत सारी मिस्टेक्स वगैरह हैं, तो भाई जो आम जनता दाना भी आनी पहुँची है, नुकसान तो हुए हैं, पर मैं एक बात ये कहूँ भाई, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताओ भाई, ताकि हम कुछ समाधान कर सका भाई। और भाई आगे तो आपकी बात पूछा सकते जिस तरह हमारी बात आगे जाऊँ, आप वर्गीय साथी हमारे जो वीडियो देखे हैं तो उन तक एक अच्छी मोटिवेशन वगैरह बनाए, सबसे महत्वपूर्ण तो